और ये जिले के समाज कल्याण विभाग से एक ऐसा मामला सामने आया जहां लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि विभाग के कुछ अधिकारियों ने अपने और अपने रिश्तेदारों के खाते में डाल दिए, जिसको लेकर अब जिलाधिकारी ने जांच कर कार्यवाही की बात की। इस खुलासे को लेकर एक शिकायतकर्ता ने मुख्य विकास अधिकारी से लिखित शिकायत पत्र दिया, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीड़न की जाने वाली लाभार्थियों को राशि में विभाग में आए मद 3 करोड़ रुपए में से 25 लाख रुपए समाज कल्याण विभाग के अधिकारी पटल सहायक ने अपने खाते और अपने रिश्तेदारों के खाते में डाल दिए हैं। आरोप लगा है कि जो विभाग है जिसने 25 लाख रुपए जो हैं किसी गौतम जो है नाम के शख्स में दिए गए हैं, क्या है पूरा मामला, अब तक क्या कार्रवाई की है? ये अभी जो मेरे संज्ञान में आया है वो ये है कि जो लगभग 3 करोड़ की धनराशियां जो अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीड़न प्रकरण में प्राप्त होती हैं, फिर खाते में सीधे डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से जाती हैं। अब अगर कोई खाता गलत हो गया होगा, गलत खाते में गई होगी, तो उसकी जांच दी गई है। और जहां तक मेरे संज्ञान में है कि इस प्रार्थना पत्र माननीय मंडलायुक्त महोदय के यहाँ भी किसी ने दिया था, तो उसमें एडी समाज कल्याण भी जाँच कर रहे हैं। तो जाँच प्रगतिशील है और शीघ्र हम अभी अधिकारी को निर्देशित करते हैं कि इसको विद इन वीक इसको पूरा करें।